हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में आपका स्वागत है, खुशामदीद है। तो दोस्तों, आज जो आपके इंटर का बायो का एग्ज़ाम हुआ है, उसका जी सेट का आंसर की लेकर आए हैं। लेकिन आपका सेट कोई भी हो, आप यहां से सभी सेट को आसानी से मिला सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सभी सेम रहते हैं, बस नंबर इधर उधर रहता है, आपको पता है। तो इसमें आपको 70 में 70 ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, और ये लेट होने का यही कारण है कि जिस ऑब्जेक्टिव में डाउट था उसको सर्च किया गया, उसको ढूंढा गया, फिर आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा और अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, आपके सामने पहला सवाल है। पहला सवाल था आपका कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युक्तांडपी यानी सिनकार्पस। सवाल नंबर दो देखिए, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है तो दाद किसके द्वारा होता है? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फंगस यानी कवक द्वारा। तीसरा सवाल देखिए, एड्स विषाणु का अनुवंशिक पदार्थ है। तीसरा का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक कुंडलिनी आरएनए, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, चार नंबर है, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम भी करता है और एसिडोमोनास भी करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों। अगला सवाल पाँच नंबर, देखिए हम लोग सेट जी कर रहे हैं, ठीक है? आपके पास जो भी सेट है अच्छे से मिला लीजिए। देखिए, और देखिए, हो सकता है कि बोलने में किसी सवाल में मिस्टेक हो जाए या किसी सवाल में डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उससे क्या होता है कि हमें इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, ठीक है? पाँच नंबर है, फ्रेंकिया है एक, फ्रेंकिया क्या है? तो पाँच का सी हो जाएगा, ये जीवाणु समुदाय का है, ठीक है? फ्रेंकिया एक बैक्टीरिया के प्रजाति का है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें सवाल ऐसा था ना कि बहुत लोग जल्दीबाजी में बनाए हैं और बहुत सारे ऑप्शन गलत भी बताए हैं, ठीक है? तो इसलिए अच्छे से मिलाइए। छः नंबर देखिए, मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है तो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अगेओ और नागफनी दोनों ही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। सात नंबर देखिए, शैल क्रमक होता है, शैल क्रमक क्या होता है? सात का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवरहित और नग्न चट्टानीय प्रदेश, ठीक है ना? तो नग्न चट्टानीय प्रदेश, ये सूखी मृदा होती है चट्टानों की, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आठ नंबर है, पूसा सुभरा एक किस्म है, किस चीज़ की? तो ये फूल गोभी, आपको पता है, ऑप्शन नंबर बी। नौ नंबर है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपको पता है, बिना निषेचन का किसके द्वारा होता है? कायिक प्रवर्धन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होता है, कायिक प्रवर्धन, जिसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ऑप्शन नंबर सी। दस नंबर है, ट्रैटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लोइड गेहूं है, उसमें होता है, कितने गुणसूत्र होते हैं? तो देखिए, इसमें गुणसूत्र जो होता है वो 42 होता है, जो गूगल पे सर्च करने पे मिला है वो 42 मिला है, लेकिन एक जगह आपको 14 भी देखा है, आंसर बताया जा रहा था, लेकिन इसमें जो गूगल पे मिला है वो 42 मिला है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? 11 नंबर है, शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है, एडीए उत्पादन कहाँ होता है? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट में। अगला सवाल है देखिए, 12 नंबर, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन है, अल्फा वन एंटीट्रिप्सिन क्या है? तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक एंजाइम है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 13 नंबर, हाइब्रिडोमा, हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है? तो किसके लिए कार्यरत है? 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिजैविकों के संश्लेषण के लिए, मतलब आपको यहां से एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो इसी हाइब्रिडोमा के लिए, हाइब्रिडोमा से बनाया जाता है, ठीक है? अगला सवाल है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है? तो मीथेन उत्सर्जन धान के खेत से भी होता है, पशु से भी होता है और दीमक, तो इन सभी से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला सवाल 15 नंबर, इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? 15 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 का। अगला सवाल है 16 नंबर, मिमिक्री की उपयोगिता होती है, मिमिक्री किस लिए किया जाता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर ए, संरक्षण के लिए, ठीक है? अगला सवाल है 17 नंबर, कवक मूल एक सहजीवी संघ है, किसका है? तो ये 17 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एकदम कंफर्म है ये, कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच, ऑप्शन नंबर बी।
18 नंबर देखिए, पारस्परिक आश्रय होता है, पारस्परिक आश्रय जो होता है वो तितलियों और फूलों के बीच होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मेटलिज्म अकर्स बिटवीन बटरफ्लाई एंड फ्लावर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 19 नंबर, अम्लीय वर्षा का पीएच मान, तो ये 4 से 5 होता है, आपको पता है, तो ये है नहीं, तो ये 5 से किससे पीएच नीचे होता है, क्या पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है, किससे नीचे, तो 4 से 5 ही होता है, तो 5.6 से नीचे होता है, ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 20 नंबर, फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, देखिए इसमें थोड़ा सा फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, क्या होता है, तो फोटोकेमिकल स्मॉग में जो होता है आपका पैन भी होता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन ओजोन भी होता है O3, ठीक है। तो अब इसमें पैन और नाइट्रोजन का ऑक्साइड इसमें दिया है, ऑक्सीजन इसमें दिया है, तो इसका कौन सा कर सकते हैं, इसका डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो इसमें अब बोर्ड जिसको माने, बी को माने या डी को माने, ठीक है। 21 नंबर है, कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, तो कैपेसिटेशन कहाँ होती है, आपका 21 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मादा जनन मार्ग में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर देखिए, हुलॉक गिब्बन एक बंदर की तरह प्रजाति होता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय, असम, बांग्लादेश, तो काजीरंगा जो है, काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है, असम में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 23 नंबर, एंटीलॉप सर्वी कापरा, तो ये क्या है, तो आपका 23 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संकटग्रस्त प्रजाति। अब एंटीलॉप सर्वी कापरा क्या है, तो ये हिरण की प्रजाति है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 23 का। अगला सवाल है 24 नंबर, रेड डेटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं, रेड डेटा बुक क्या होता है, तो जो विलुप्त प्राणी होती हैं या विलुप्त प्राय प्राणी होती हैं उनका डेटा रखा जाता है, तो इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर है, विश्व संरक्षण दिवस, तो विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर है, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, सेरोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है 27 नंबर, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है, तो कुष्ठ रोग यानी टीबी जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आपका माइकोबैक्टीरियम द्वारा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27 का। 28 नंबर है, निम्नांकित में से कौन सा विषाणु जनित रोग एक जोड़ी है, यानी वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, तो देखिए इसमें एड्स तो वायरस से होता है लेकिन सिफिलिस नहीं होता है, इसमें टेटनस टाइफाइड ये नहीं होते हैं, काली खांसी और क्षय रोग, काली खांसी होता है तो क्षय रोग आपका बैक्टीरिया से होता है, ये रेबीज रेबडो वायरस से होता है और खसरा, ये वायरस से होने वाले रोग हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा 28 का, ऑप्शन नंबर बी खसरा और रेबीज। 29 नंबर है, कॉपर टी का कार्य होता है, कॉपर टी का कार्य क्या है, निषेचन को रोकने का काम करता है, यानी स्टॉप फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी होगा 29 का। अगला सवाल है 30 नंबर, जननांग मस्सा निम्नांकित में किसके द्वारा फैलता है, जननांग मस्सा जो होता है, जेनिकल वॉर्ट्स जो होता है वो आपका पॉपिलोमा वायरस से फैलता है, ऑप्शन नंबर डी, ये सब सर्च किया हुआ सवाल है, एक भी गलत होने का चांस नहीं है, ठीक है, सारे सवाल सर्च करके तब आपके लिए लाए गए हैं, इसलिए लेट हुआ है। डीएनए पुनर्योगज तकनीक उपयोग करता है, तो क्या करता है, 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी क्लोनिंग संवाहक प्रतिबंधन और जेल वैधुर, ठीक है, सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर है, अनुवंशिकता अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है, तो किसके लिए, 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंसुलिन। अगला सवाल है 33 नंबर, कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग करता है, कौन करता है, 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्लाज्मिड। 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है, तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, सेल 1। अगला सवाल है 35 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है, तो कौन नहीं है, 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए वनस्पतिक उद्यान, ठीक है, बोटानिकल गार्डन। 35 हो गया है, अगला सवाल देखते हैं 36 नंबर, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है, तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी त्वचा का रंग, मात्रात्मक लक्षण, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट। 37 नंबर देखिए,
एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 37 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युग्म विकल्पी। ठीक है, अगला सवाल है 38 नंबर, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिब्रोइन, ऑप्शन नंबर ए फिब्रोइन। 39 नंबर है, लाइसिन युक्त शक्ति लैटिन, ये रतन है, असल यहाँ से देखिए, शक्ति रतन एंड प्रोटीना आर लाइसिन रिच वराइटीज ऑफ, तो ये मक्का के वरायटी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेज मक्का के वरायटी हैं। अगला सवाल है 40 नंबर, पेनिसिलियम उत्पादित करता है, पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है? तो आपका देखिए ये एक सवाल छूट गया है, तो इसको कमेंट में बता देते हैं, देखते हैं इसको अगर मिलता है तो, बस यही एक सवाल छूटा है, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट कर दीजिए, ठीक है, उसको पिन कर दिया जाएगा कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर, निषेचन आंतरिक होता है, किस में होता है? आंतरिक निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन, तो ये सार्क में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर, विभिन्नता का मुख्य स्रोत है, तो विभिन्नता का मुख्य स्रोत मेन सोर्स ऑफ वेरिएशन इज उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 43 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होता है वो कहाँ मिला होता है? हवा में मिला होता है ना, तो 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वायु का, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए DDT, ये जैव आवर्धन प्रदर्शित करते हैं, ख़त्म नहीं होता है, जितने ऊपर स्तर में बढ़ते जाते हैं मात्रा इसकी बढ़ती जाती है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 45 नंबर देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है, तो रेडियोधर्मी का क्या है? 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीन उत्परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल है 46 नंबर, हेरोइन क्या है? तो 46 का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टेट्रा एसिटाइल मॉर्फिन हेरोइन है। देखिए ये ऑप्शन देखने में मिस्टेक हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका, ये डाई एसिटिलिन मॉर्फिन होता है, हेरोइन जो होता है डाई एसिटिलिन मॉर्फिन, ये बहुत नशीली दवाओं का जो ग्रुप होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 46 का ऑप्शन नंबर सी, इसको मिला लीजिए फिर से। ठीक है, अगला सवाल है 47 नंबर, डाइऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो आपका 47 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेंटोसिस, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है ये 48 नंबर है, DNA के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को जिसके द्वारा देखा जा सकता है वो क्या होता है? तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 49 नंबर, जब DNA के एक विलगन टुकड़े को ये 82 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है तब क्या होता है? तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका विकुंडलन हो जाता है। अगला सवाल है 50 नंबर, न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है? तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूक्लिएज द्वारा, 50 का बी। 51 नंबर देखिए, कह रहा है कि ये थोड़ा सा ब्लर हो गया है, फिर भी मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख तथा वेल के फ्लिपर क्या है, कौन से अंग होते हैं? तो ये आपको कौन सा हो जाएगा? 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, समजात अंग होते हैं। ठीक है, मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख ये समजात अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51 का। अगला सवाल है 52 नंबर देखिए, PCR तकनीक के दौरान SS DNA से प्राइमरी के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है? तो DNA से बंधने की क्रिया क्या कहलाती है आपका? 52 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तपानुशीतन। ठीक है, तपानुशीतन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन RDT का साधन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंस्ट्रॉन्स। अगला सवाल देखिए 54 नंबर, टैग पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थर्मस अक्वाटिकस, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है 55 नंबर,
विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो 55 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, 7 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 56 नंबर, एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है, किसका होता है? 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एमनियोटी द्रव का, ऑप्शन नंबर सी होगा, एमनियोटी द्रव का। 57 नंबर देखिए एक जो जिसमें कन्फ्यूजन हो गया था थोड़ा, वो थोड़ा सा मिला लीजिए आप, किसमें हुआ था वो शायद 46 नंबर सवाल में हुआ था किसमें, तो उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। 57 नंबर है, एजोला सहजीवी संबंध है, किससे है? 57 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, एना बेना के साथ इसका संबंध होता है एजोला सहजीवी का। अगला सवाल है 58 नंबर, टैपिटल कोशिका दर्शाती हैं, 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 59 नंबर है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बनता है, तो किससे बनता है आपका? 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु बीजाणु, ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर देखिए, मादा जंतु जिसमें मद चक्र होता है, तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिसमें मद चक्र होता है? देखिए क्या कह रहा है आपका, ऑस्टेरियस साइकिल, तो ये किसमें होता है? ये बंदर और मनुष्य दोनों में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 61 नंबर है, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है, 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोल्जी काय द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 62 नंबर, मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है, 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोरियोन द्वारा, 62 का सी। अगला सवाल है 63 नंबर, पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है, तो 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनन कोशिका द्वारा। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन द्वारा होता है, तो जनन कोशिका द्वारा। 64 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है, कौन होता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्लास्टोसिस्ट। 65 नंबर है, मानव भ्रूण संरक्षित रहता है, कहाँ संरक्षित रहता है? तो आपका 65 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, एमनियोटिक गुहा में, ऑप्शन नंबर बी होगा 65 का। अगला सवाल है 66 नंबर, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये आपको पता ही है, कार्बन डेटिंग द्वारा, कार्बन 14 जो होता है उसके द्वारा, ठीक है ना, रेडियो कार्बन काल निर्धारण जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 66 का। अगला सवाल है 67 नंबर, डायनासोर हैं, तो डायनासोर क्या है आपका? 67 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विलुप्त सरीसृप, ऑप्शन नंबर बी। बस 3 सवाल और बचे हैं, सीनोजोइक युग माना जाता है, किसको माना जाता है आपका? 68 का ए हो जाएगा, स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल, ऑप्शन नंबर ए 68 का। 69 नंबर है, 69 है, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? तो 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीडीएनए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीडीएनए। लास्ट सवाल है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है, तो 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टैग पॉलीमरेज, ऑप्शन नंबर डी। तो ये 70 के 70 ऑब्जेक्टिव थे, एक सवाल छूटा हुआ है, वो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ उसको कमेंट में पिन करने के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि वो सही सही मिला सकें। अगर किसी सवाल में डाउट हो या एक से दो सवाल में दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।